निर्मला सीतारमण को देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमण ऐसी दूसरी महिला हैं जो रक्षा मंत्री बनी है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। सही मायने में देखा जाए तो सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनी है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए रक्षा मंत्रालय का भार संभाला था। गौरतलब है कि रक्षा क्षेत्र में हमेशा से ही पुरुषों का वर्चस्व रहा है, लेकिन मोदी ने निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री बना इस परंपरा को तोड़ने की शुरुआत की है। मोदी का ये कदम उनकी सरकार का महिलाओं के प्रति भरोसे को भी दर्शाता है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण बीजेपी के बौद्धिक चेहरे के तौर पर जानी जाती है। 2006 में वो पार्टी में शामिल हुई थी, तब बीजेपी विपक्ष में थी। निर्मला सीतारमण ने कार्यकर्ता के तौर पर बेहतरीन छाप छोड़ी और धीरे धीरे पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। बता दें कि निर्मला सीतारमण आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और अब तक वाणिज्य और उद्योग मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही थी। 2019 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी की नज़र दक्षिण भारत पर है, इस लिहाज से निर्मला सीतारमण का प्रमोशन अहम माना जा रहा है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।